Hello, welcome to Arvind Singh Academy. And today we are going to discuss integration. This is lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching this part 3. And in this lecture, we are going to discuss about the method of transformation. So let me discuss about method of transformation. Method of transformation. Formation. What is the method of transformation? And in this method, what we will do? The first type of question in method of transformation we are going to discuss, that if there is any function of sine square x, say sine square x, or sine square 2x, cos square x, tan square x, cot square x, if there are such function, then what we need to write it? We can write it sin square x as 1 minus cos 2x by 2. Cos square x can be written as 1 plus cos 2x by 2. And tan square x can be written as sec square x minus 1. Cosec square x, cot square x can be written as cosec square x minus 1. Thereafter, we can integrate it easily. So this is a type 1. You must remember this. The another thing which you need to remember is, although we will discuss it, that why and how this happened. But one thing, ki agar aapko sin 3x ka integration karna hai, to dhyan dijiye jara ki sin 3x ka differentiation kaise karte the? Dy dx of sin 3x agar karna hota tha hame, तो हम कैसे करते थे? हम लिखते थे cos 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव कितना आता था? 3, यानी 3 cos 3x लिखते थे। मतलब ये कि 3 से मल्टीप्लाई होता था, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता था। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, ये cos 3x और 3x के कोफिशिएंट से डिवाइड होना चाहिए। तो sin 3x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस cos 3x by 3 होगा। इसी तरह से अगर cos 4x का इंटीग्रेशन हमें करना है तो ये क्या होगा, sin 4x by 4 plus c, ऐसा होगा, है ना? अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमें कोई और फंक्शन है जिसका कि हमें करना है क्या इंटीग्रेशन, जैसे अब मान लीजिए कि साइन एक्स प्लस बी है, इसका डेरिवेटिव करना था तो हम कैसे करते थे? इसको लिखते थे साइन का कॉस एक्स प्लस बी और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स प्लस बी का करते थे चेन रूल से, याद आ रहा है आपको? तो क्या मिलता था, कॉस एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे फिर बारी बारी से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, उसमें से बाहर है डी एक्स बाई डी एक्स वन प्लस जीरो, बी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, यानी यहाँ पे भी मिलता था ए कॉस एक्स प्लस बी। मतलब ये कि एक्स के कोफिशिएंट जो था ए, उससे फाइनली हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता था डिफरेंशिएशन में, ऐसा हम करते थे। तो इंटीग्रेशन में अगर कॉस एक्स प्लस बी का हम इंटीग्रेशन करें और इसी का उल्टा, तो क्या होगा बताइए? तो क्या होना चाहिए, ए तो बाहर है कांस्टेंट, कॉस का क्या होना चाहिए, साइन एक्स बाय बी एंड मस्ट डिवाइड बाय ए, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तभी ये कैंसिल होगा और हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस बी प्लस सी, ये ओरिजिनल फंक्शन है आएगा। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, जैसे sec square bx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan bx, sec square का tan होता है, tan bx divided by b plus c। इसी तरह से अगर कोई और कहे कि चलिए हमें निकालना है cosec square x by 2 का इंटीग्रेशन, तो इसको भी हम लिख सकते हैं minus cot x by 2 whole divided by 1 by 2 प्लस सी, अर्थात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
माइनस टू कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, ये होगा आंसर। तो जब भी एक्स के कोफिशियंट से हमें क्या करना चाहिए इंटीग्रेशन में, डिवाइड, राइट। और इनडिपेंडेंट कांस्टेंट हो तब भी, ना हो तब भी, जैसे साइन 3x हो तब भी, और साइन 3x प्लस 5 हो तब भी, साइन 5x हो तब भी, साइन 5x माइनस 7 हो तब भी, हमेशा 5 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, 5। अगर x का कोफिशिएंट 3 होगा तो 3 से डिवाइड होगा। तो पिछले स्लाइड पे फिर हम जाते हैं। ये देखिए कि अगर यहाँ 2x है तो 2x होने पर हमें 2 से डिवाइड करना होगा, जब इंटीग्रेट करना होगा। तो कहीं पर भी ऐसा कोई फंक्शन होगा तो हमें इससे डिवाइड करना होगा। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। क्यों होता है, चलिए थोड़ा ये भी देख ले। कॉस 2x का फॉर्मूला क्या क्या होता है, होता है क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका मतलब माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इसका मतलब कि 2 इधर आके डिवाइड हो जाए तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 है। ये कोई नया चीज नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो एक फॉर्मूले को हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे फॉर्मूले से, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स की हमने बात की। तो हमें मान लीजिए कि लिखा है कि साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, पहले इसी क्या करते हैं, तो इसको आपने हमने क्या कहा लिखने के लिए, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 डीएक्स। अब अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया 1 माइनस कॉस 2x डीएक्स, इसको हमने लिख दिया 1 बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डीएक्स, राइट, इसे आ गया। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2x, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड प्लस c। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं x बाई 2, ये भी लिख सकते हैं x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c आंसर। अब ऐसा ही अगर कोई वाक्य हो जाए कॉस का, जैसे कॉस स्क्वायर 3x dx, तो देखिए यहां पर x था तो यहां कितना हो गया, उसका दुगना हो गया ना। तो यहां 3x है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस, कॉस स्क्वायर में प्लस आता है, साइन स्क्वायर में यहां माइनस आता है, तो 1 प्लस कॉस 6x बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3x का दुगना क्या हो जाएगा 6x, तो 6x लिख सकते हैं। यहां पे 1 बाई 2 बाहर आ गया, 1 प्लस कॉस 6x dx, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना x, कॉस 6x का साइन 6x बाई 6 प्लस c, राइट ना। तो ये हो गया, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कितना आंसर लिख सकते हैं इसका, इसका आंसर आप लिख सकते हैं वही कि x बाई 2 प्लस 1 बाई 12 साइन 6x प्लस सी आंसर। तो इस तरह से इन तरह के सवाल का जिसमें स्क्वायर हो आपको कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले उसको इसी फॉर्म में लिखना है, यही एक उपाय है, इसके सिवाय कोई और उपाय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एक टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन उस टाइप का है तो आपको वही करना चाहिए, उसके सिवाय कुछ और नहीं करना चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिनके अलग से तरीके होते हैं और उनको अलग से करने की जरूरत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को करने का तरीका टाइप पर आधारित है। मतलब आपको कुछ टाइप याद करनी है, हम कुछ सेवरल टाइप लगभग 20 तरह के टाइप में डिवाइड कर दिए हैं इंटीग्रेशन को, 20 टाइप के इंटीग्रेशन आपको सिखाएंगे, और उस टाइप को दिमाग में रखना है
ये होगा तो यही करना है, इसके सिवाय कुछ और नहीं करना है। जब आपको ये बातें याद हो जाएगी तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये इस टाइप का है, यही करना है, इसके सिवाय कुछ और नहीं करना है। तो आइए और देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे कि कॉट स्क्वायर 3x/2 dx, इसका करना है। तो कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पीछे हमने सीखा कि हम इसको लिख देंगे कोसेक स्क्वायर x-1, एक्स के जगह पर क्या है 3x/2 -1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कॉट कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस कॉट 3x/2, लेकिन एक्स के कोफिशियंट क्या है 3/2 से डिवाइड, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2/3 कॉट 3x/2 -x + c, ऐसा आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम दूसरा सवाल ले इसी तरह से, ये पहला एक सवाल और हो गया, ठीक है, और ये पांचवा सवाल अब हम लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो जाएगा, मान लीजिए कि लिखा है कि sec स्क्वायर 3x/5 dx, तो अब sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या होता है tan, तो x के जगह पर क्या है 3x/5, तो लिखना ही पड़ेगा है ना, डिवाइडेड बाई 3/5 लिखना पड़ेगा प्लस सी, यानी ये हो जाएगा 5/3, 3/5 वुड बी 5/3, टैन कितना 3x/5 प्लस सी, ये हो गया आंसर। ये सब सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी बन सकता है, लेकिन अभी मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं ये तरीका करने से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद कुछ नया सीखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा लिखा है कि कोसेक स्क्वायर 3x + 5 dx, तो इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ये है हमारा। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉट होता है, कॉट 3x + 5, एक्स का कोफिशियंट 3 है इसलिए 3 से डिवाइड प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा अगर हो जाए कि i = ये लिखा है कॉट स्क्वायर 1 - 2x dx, कॉट स्क्वायर एक्स का अभी हमने सीखा है कि कॉट स्क्वायर जहां कहीं भी देखेंगे, पहली में ही हमने बताया था कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है जी, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखना है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखने का मतलब यह है कि जहां पर भी कॉट स्क्वायर का कुछ भी दिखाई दे तो उसको हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो इस पूरी इंटीग्रेंड को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 1 - 2x - 1 dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट, तो 1 - 2x लिख देंगे फंक्शन है, और x के कोफिशियंट से क्या होगा डिवाइड, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/2 कॉट 1 - 2x - x + c, और इस तरह से ये आंसर होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा कि x के कोफिशियंट से डिवाइड करना है, x के साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीपल हो तब भी, ना हो तब भी, और उसमें प्लस माइनस होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ और सवाल है ना, ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो सकता है, मान लीजिए कि tan स्क्वायर 2x + 7 dx, अब इसको करने के लिए tan स्क्वायर x का सीधे सीधे तो कुछ होता नहीं है, हम इसको क्या करेंगे sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, sec स्क्वायर 2x + 7 - 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है कि tan होता है, और ये tan 2x + 7, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि और कैसे कर सकते हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 5x + 7 / x^4 dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे,
ये पहले किया हुआ है हमने, 3x² + 5x / (x^4) + 7/(x^4) dx। इसको आप लिख सकते हो, 3 बाहर हो गया, एक्स का पावर माइनस टू, ऊपर 2 पावर है, नीचे से 4 माइनस जाएगा, ऊपर माइनस 2, ठीक है, dx। प्लस इसी तरह से 5 इसमें से बाहर ले सकते हैं और एक्स का पावर ऊपर जाके -3 dx, एक एक से एक्स कट जाएगा। प्लस यहां भी 7 बाहर हो जाएगा, एक्स का पावर -4 dx। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आंसर होगा, यहाँ 1/x² टाइप बच गया, ये बचेगा -3/x। यहां से -3 + 1 -2, x² - 2 मतलब नीचे आके x², तो ये हो गया -5/2, क्योंकि -2 बच रहा है, 1/x² ये बच जाएगा नीचे में आके। इसी तरह से यहाँ पे 7x² - 3 + 7x² - 3 यानी 1/x³, नीचे -3, तो यहाँ पे प्लस वाला जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये हो जाएगा -7/3 x³। ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर x² - 3 है, नीचे आके x³ हो जाएगा, तो 7/(3x³)+c आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कुछ नया सीखते हैं। नया क्या है, टाइप, इसी टाइप में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ही कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। वो क्या है कि उसी टाइप का कुछ अगला भाग, टाइप 1, उसी में हम बात कर रहे हैं, अभी दूसरा कोई टाइप नहीं सीख रहे, उसी टाइप में बात कर रहे हैं। sin³x अगर हो तो इसे लिखना चाहिए 3 sin x -sin³x/4। cos³x कहीं लिखे तो 3 cos x + cos³x/4 लिखना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा ये कहां से आया, ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया, ये फॉर्मूला वही है जो पहले आपने सीखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है, देखिए, sin³x का फॉर्मूला होता था क्या, 3 sin x -4 sin³x होता था कि नहीं। अब ये 4 sin³x इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3 sin x -sin³x, और sin³x के बदले क्या लिख सकते हैं, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 sin x -sin³x/4। क्लियर है, इसी तरह से cos³x के फॉर्मूले में से ये वाला भी आ जाएगा, है ना, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा और तब हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। अभी तक जो ज्ञात हमारी जानकारी है उसके आधार पर हमारे पास sin³x को इंटीग्रेट करने का कोई ऐसा तरीका नहीं। तो चलिए एक सवाल करके देखते हैं कि होता कैसे है, है ना, इसी को कर लेते हैं। sin³x का इंटीग्रेशन करना है तो हमें लिखना पड़ेगा, sin³x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, 3 sin x -sin³x/4। ये 4 को बाहर ले लूं ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 3 sin x -sin³x/dx, है ना, 1/4, 3 को बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 sin x का इंटीग्रेशन -cos x, और यहां पे sin³x का इंटीग्रेशन -cos x, तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, -cos³x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c, तो ये आंसर आ गया। इस पूरी कहानी का आंसर जो है, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस आंसर को, इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि ये आंसर हो जाएगा -1/12 1/4 × क्या आंसर आएगा, इसको पहले लिखते हैं, cos³x/4/3 -3 cos x + c, और ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने का तरीका है। अब क्या आपके मन में आ रहा होगा, क्या sin³x cos³x हो तभी ऐसा करेंगे, क्या कोई और फंक्शन हो तो ऐसा नहीं करेंगे,
तो ये समझते हैं कि और फंक्शन हो कोई तब भी ऐसा कर दे। तो इस तरह से हमने देखा कि साइन क्यूब एक्स हो कॉस क्यूब एक्स हो तो उसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, और चाहे उसके साथ कोई भी फंक्शन हो हम इसी तरह से करेंगे। आइए एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। और ये जैसे क्वेश्चन है कि हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन है, हमने पिछले स्लाइड में क्वेश्चन किया था और अब थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है हम ये कर देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट साइन क्यूब 1 - 3x dx। अब इसको भी लिख सकते हैं, चूंकि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए पिछले एग्जाम्पल में हमने लिया था, इसी तरह से यहां लिखेंगे 3 sin 1 - 3x - sin 3x, 3 times of 1 - 3x होल डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 3/4 बाहर आ गया sin 1 - 3x dx, और यहां पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1/4 आ जाएगा माइनस के साथ, अलग अलग कर दिया हूं मैं। और साइन ये 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 - 9x dx ऐसा हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो ये होना चाहिए 3/4। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 1 - 3x डिवाइडेड बाई -3, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, -1/4। साइन का इंटीग्रेशन -cos 3 - 9x डिवाइडेड बाई -9 प्लस सी, तो कुल मिला के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4 cos 1 - 3x, और यहां भी ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, -1/36 cos 3 - 9x प्लस सी आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो डायरेक्ट फंक्शन हो चाहे उसके साथ कोई मल्टीपल फंक्शन हो, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और देखते हैं। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल इस टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब 3x/4 dx। अब ऐसा तो इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, और चाहे तो आप इसमें कुछ और भी हो सकता है, लेकिन cos 3x को हम लिखेंगे फिर उसी तरह से। क्या, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 3 cos x, यानी cos 3x/4 प्लस cos 3x, 3 into 3x/4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 4 dx। अभी क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3/4 बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, cos 3x/4 dx प्लस 1/4 बाहर आ गया, ये हो गया cos 9x/4 dx, इंटीग्रेशन यहां से भी लग गया। तो अब ये क्या मिल जाएगा, इस तरीके से करने से cos का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 3x/4 डिवाइडेड बाई 3/4, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, प्लस 1/4 cos 9x का sin 9x/4 डिवाइडेड बाई 9/4 प्लस सी, इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो सी अब आ जाएगा। तो यहां पे देखिए कि ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां 3/4 से पूरे 3/4 ही कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा sin 3x/4, है ना, sin 3x/4 प्लस कितना 1/9 sin 9x/4 प्लस सी आंसर हो गया। इस तरह से आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से कोई भी क्यूबिक फंक्शन होगा, साइन और कॉस का कोई भी क्यूबिक फंक्शन होगा, तो उसको इंटीग्रेट करने का ये बहुत ही सुंदर तरीका है। आप इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यानी जब स्क्वायर हो क्यूब हो तो हम उसको इंटीग्रेट ऐसे करेंगे। अब सवाल है कि दूसरा कोई फंक्शन हो तो क्या करेंगे, जैसे सेक क्यूब एक्स हो तो क्या करेंगे, साइन कॉस का तो आपने बता दिया, सेक क्यूब एक्स हो तो क्या करेंगे, कोसेक क्यूब एक्स हो तो क्या करेंगे, और टैन क्यूब एक्स हो तो क्या करेंगे, स्कॉट क्यूब एक्स हो तो क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का तो हमने सीख लिया, अगर इस तरह का हो टैन क्यूब एक्स कॉट क्यूब एक्स तो इसका कैसे करेंगे, ये हम कोशिश करते हैं कि आपको आगे बता दें। तो इसमें कैसे करेंगे, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का तो कर लिया, टैन क्यूब एक्स और कॉट क्यूब एक्स का आप कर सीखते हैं कि क्या है, सेक और कोसेक का उसके बाद सीखेंगे, ये दो टाइप का, ठीक है, कि कैसे होगा, राइट। सो सेक टैन क्यूब एक्स को क्या करोगे, टैन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या करना चाहिए इसमें भी कि टैन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स डीएक्स, टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टैन एक्स डीएक्स, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स राइट इंटू टैन एक्स डीएक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स नहीं, टैन एक्स, अब एक बार वन से मल्टीप्लाई होगा तो टैन एक्स डीएक्स, ये क्या है, ये है टैन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स है ना, टैन एक्स का डेरिवेटिव होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डीएक्स, यानी ये कुछ इस तरह का हो गया। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्स है ये डीएक्स है, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपने याद किया हुआ है लॉग सेक एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा। ये भी एक तरीका है करने का, हालांकि इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है। ये अगर एक्स है तो ये क्या है डीएक्स है, और ये किसके बदले लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स टैन एक्स के बदले लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से टैन स्क्वायर टैन क्यूब एक्स का कोई अगर फंक्शन मिले तो हम उसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, ये है कॉट क्यूब वन प्लस एक्स डीएक्स, अब इसको कैसे करोगे, इसको करने का क्या तरीका है और इसको कैसे करोगे। तो कॉट क्यूब एक्स को फिर हम उसी तरह से लिख देंगे जैसे हम लिखते आए हैं, क्या लिखेंगे, कॉट क्यूब एक्स को लिख देंगे कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर वन प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट ना, तो कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर वन प्लस एक्स डीएक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। फिर अब हम क्या करें, अब हम यही कॉट स्क्वायर एक्स किसकी डेरिवेटिव होता है, कॉट क्यूब एक्स को हमने लिख दिया, कॉट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस वन, वन प्लस एक्स, इसको हम लिख देते हैं कॉट वन प्लस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस वन, ये पूरा का पूरा चीज हो गया डीएक्स। ये बहुत ही रिमार्केबल बात है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहां से चेंज होगा कॉट वन प्लस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर वन प्लस एक्स माइनस कॉट वन प्लस एक्स डीएक्स, यानी ये हो गया कॉट वन प्लस एक्स, और ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट वन प्लस एक्स, लेकिन कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है इसलिए हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है।
और ये क्या हो गया, डीएक्स हो गया, ये तो हो ही गया। इसको हमने अलग अलग लिख दिया था ये डीएक्स, और यहां से इंटीग्रेशन डीएक्स ये भी लिख दिया था। लेट मी राइट क्लियरली, डीएक्स माइनस, और कॉट का अभी आपने सीखा है, याद किया है क्या होता है, लॉग साइन एक्स यानी 1 + x + c, लेकिन अभी c लिखेंगे नहीं क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है। और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, कॉट का क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स। लेकिन ये तो ऐसे हो गया, ये तो ऐसे हो गया कि ये एक्स है और ये डीएक्स है, तो एक्स डीएक्स का होता है x² / 2 यानी -cot²(1 + x/2) -log(sin)(1 + x)। ये हो गया पूरा, इसको मॉडुलस में लिख सकते हैं, है ना, जो भी होता है, प्लस सी, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को जो क्यूबिक फॉर्म में हो उसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके भी हैं जो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व होता जाएगा, लेकिन फिलहाल हमने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है, और सब्स्टिट्यूशन के लेकिन हमने क्या कर दिया उसको, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कर दिया। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूले को ही दूसरे फॉर्म में लिख देने से क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो बदल जाती है, और लगभग फंक्शन की प्रकृति बदल जाने से फंक्शन जो नॉन इंटीग्रेबल टाइप दिख रहा था वो इंटीग्रेट हो जाता है आसानी से। तो इस प्रकार से आप अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे, और आप मुझे उम्मीद है कि अगले वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे, और जैसे वीडियो आएगा आप देखेंगे भी। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देखते रहिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, यानी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, गॉड।